कोरोना वायरस महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन में कुशीनगर जनपद में जगह जगह कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिलने के उपरांत कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। बता दें कि कुशीनगर जनपद के उपनगर खड्डा में सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 10 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें कुशीनगर जिले के खड्डा नगर के आजाद चौक निवासी विनोद कुमार तुलस्यान और उनके बड़े पुत्र सुमित तुलस्यान की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस खबर की भनक नगर वासियों को लगते ही कोहराम मच गया। स्थिति को देखते हुए विभिन्न स्थान गला मंडी, जलकल रोड, आजाद चौक को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया और जिला प्रशासन ने लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। आदर्श नगर पंचायत खड्डा में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, तो इस समय क्या माहौल बना हुआ है खड्डा का? खड्डा नगर पंचायत में पूरा भय का माहौल है और चारों तरफ हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, उसको सारे रास्ते को बंद कर दिया गया है और सभी लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना मास्क के बाहर ना निकले, बिना वजह भी बाहर आप न घूमें फिरें। इस समय नगर पंचायत खड्डा में 2 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको नगर पंचायत जो है हॉटस्पॉट कर रही है, तो इस संबंध में आप क्या बता सकते हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं आप अपने नगरवासियों को? अपने नगरवासियों को यही जानकारी दे सकते हैं कि अपने घर में सुरक्षित पड़े रहें। दूसरी बात यह है कि इस टाइम में डर का भावना सभी को लोग के बना हुआ है, सभी लोग डर के मारे अपने घर में घुसे हुए हैं, आराम से रह रहे हैं और उसके हम लोग सील कराने में लगे हुए हैं। यहाँ के व्यापारी, आपकी गल्ला मंडी में दुकान है, तो इस वक्त नगर सब व्यापारियों के यही संदेश है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें। बस यही हम लोगों का मतलब व्यापारियों से डोर टू डोर संपर्क करके कहा भी जा रहा है और सबसे निवेदन भी किया जा रहा है कि जरूरत हो तभी घर से निकलें और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, पूर्ण रूप से जहाँ शासन प्रशासन जो आदेश दे रही है उस आदेश का पालन करें। शासन प्रशासन का आदेश तो हम लोग करा ही रहे हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। ये संदेश है कि सब लोग अपना खुद का बचाव कर रखें, कम से कम घर से बाहर निकलें, दूरी बनाए रखें, मास्क को सजाई प्रयोग करें और फिर कोई इसका उपाय है नहीं, कोई दिक्कत आती है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य में मिले, उनसे बात करें। खड्डा में भी 2 कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, तो नगर के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भाई, नगर के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग इससे घबराएं ना, किसी तरीके की अफवाह ना फैलाएं, ये एक बीमारी है जो ठीक भी हो जाएगी और 97% इसमें रिकवरी भी है, तो कृपया लोग शांति बना के अपने घरों में रहें, आराम से रहें, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन संक्रमित क्षेत्र को घेराबंदी करके उसको सील कर रहा है, उसके बाद वहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था लगाई जाएगी, सैनिटाइजेशन किया जाएगा पूरे क्षेत्र का और हर चीज़ को साफ सफाई, हर चीज़ व्यवस्थाओं को नज़र में रख के सारा काम किया जा रहा है। भैया, आप यहाँ के व्यापार मंडल के आप एक सम्मानित सदस्य भी रहे हैं, तो आप व्यापारियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस समय खड्डा नगर पंचायत में 2 पॉजिटिव कोरोना निकले हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोरोना काल में मैं पूरे व्यापारी समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैलावें। यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है, यह कोरोना कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, हर के लिए आसान का है, सब लोग इसमें ठीक हो जा रहे हैं और जिनके साथ हो रही है उनके साथ संवेदना रखें, सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने परिवार का, अपने समाज का ध्यान रखें और साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखें।